जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ दस्ती फ्रॉम ऑनलाइन वेब टीचर .com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने शॉपिफाई स्टोर में ऐप इंस्टॉल करनी है। वर्डप्रेस में प्लगइन होती है, मतलब अगर हम लोग अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहें तो इसके लिए हमें ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है या फिर प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ती है। मतलब अगर हम शॉपिफाई पे हैं तो इसमें हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऐप स्टोर है शॉपिफाई का गिवन है, वहाँ से जाके हम लोगों ने इंस्टॉल करना होता है। अगर हम लोग वर्डप्रेस पे हों तो उसके लिए हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन स्टोर वर्डप्रेस का भी एक डेटाबेस बना हुआ है, वहाँ से हम लोग ये इंस्टॉल करना होता है। तो मतलब इजीली कोई भी काम हो, मतलब प्लगइन का ये काम होता है, प्लगइन या ऐप का ये काम होता है कि वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को ये बढ़ा देती है। मतलब कोई भी हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। मतलब हम लोग एनालिटिक्स ट्रैक करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट हम लोग हंट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं किसी दूसरे स्टोर से, तो उसके लिए हम ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप एक क्लिक पे जो है ना प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे आ जाएगी। या फिर हम वेरिएंट हैं, वो वेरिएंट की जो है ना हम सेटिंग करना चाहते हैं, कुछ अलग तरह से जो है ना हम सेटिंग करना चाहते हैं, तो ये भी एक अलग फंक्शनैलिटी है, तो इसके लिए भी हमें एक प्लगइन, मतलब या इसको आप ऐप भी कह सकते हो, ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो हमारी प्रोडक्ट के वेरिएंट वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। मतलब फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए प्लगइन इस्तेमाल की जाती है। तो ये कैसे हम लोगों ने इंस्टॉल करनी होती है तो कंप्लीट तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आपने मेरे साथ रहना है। अगर आपको वर्डप्रेस या शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। हमारे पास ये ऐप्स, ठीक है, ये हमारे पास ऐप, एक ऐप तो हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं फेसबुक, इसमें तो मज़ीद भी ऐप्स गिवन है हमारे पास। ये यहाँ पे जो फेमस ऐप है तो ये यहाँ पे दी गई है शॉपिफाई की, कुछ शॉपिफाई की अपनी है ऑफिशियल, यानी कि शॉपिफाई ने खुद क्रिएट की है। कुछ दूसरे लोग जैसे प्लगइन बनाते हैं वर्डप्रेस में, जैसे प्लगइन बनाते हैं डिफरेंट, तो इसी तरह से यहाँ पे भी ऐप्स बनाते हैं लोग। ऐसी वैसी ऐप आपने इंस्टॉल नहीं करनी जिससे आपके स्टोर को नुकसान हो। ये ऐप सर्च करने के लिए ये विजिट द शॉपिफाई ऐप स्टोर, यानी ऐप स्टोर अलहदा से ऐप को आपने सर्च कर लेना है। कोई स्पेसिफिक ऐप आप डालना चाहते हो तो उसको आपने सर्च कर लेना है। शॉपिफाई की डिफरेंट फंक्शनैलिटी को देखते हुए ये ऐप दी गई है। तो प्रोडक्ट प्रीव्यूअर को ही मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये वाली ऐप फ्री की ऐप है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड ऐप, ऐड ऐप पे करेंगे क्लिक तो ये वापस हमें अपने शॉपिफाई स्टोर पे ले आएगा। ये वापस शॉपिफाई स्टोर पे हम ले आया। इंस्टॉल ऐप पे करेंगे क्लिक, ये है अब इनेबल प्रीव्यूअर, ठीक है ना, इनेबल प्रीव्यूअर। अब इसकी मजीद सेटिंग है, आप सेटिंग को सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इनेबल पेज व्यू अपडेट स्टे ऑन मॉडल, जनरली इसी मेथड को यूज करते हुए आपने डिफरेंट एप्स आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।